आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा बांध कर ले जाएगा कफन में जेब वेब, ऐसा होता नहीं है। आप चाहो तो बनवा लो, सारी जिंदगी हाय पैसा 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 पैसा। पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, हम पैसा कमाने का मना नहीं करते, पैसा खूब कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, परंतु उस पैसे से आप, उस पैसे के कारण अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उस पैसे के कारण आप अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। एक पिता का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक पुत्र का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक पति का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक मित्र का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक भारतीय होने का धर्म क्या है, भारतीय का धर्म क्या है भूल जाते हैं, सिर्फ पैसा पैसा। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक वृद्ध माँ है, उस माँ का बेटा आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है, आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है, और उस डॉक्टर बेटे की माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है। ये दास अनिरुद्ध उनके चरण सेवा करता है, चरण दबाता है, यहां उनका आंखों का इलाज ये दास अनिरुद्ध ने कराया, उनकी सेवा इलाज यहां, खुद का बेटा डॉक्टर है और माँ को आंखों की दिक्कत है, अपनी माँ का इलाज करता नहीं है, माँ से बात करता नहीं है, माँ के पास आता नहीं है, माँ से कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, अब इलाज किसका करने के लिए डॉक्टर है ये बताओ। खुद की माँ की आंखें ठीक ना कर पाए तो ऐसी डॉक्टरी का क्या फायदा। तो क्या ये किसके पीछे भागने वाले लोग हैं पढ़े लिखे? पैसे के पीछे। पैसा कमा लोगे, क्या करोगे? मैं सवाल आपसे है, चलो आप 1000 करोड़ रुपए कमा लो, 10,000 करोड़ आप कमा लो, तो क्या करोगे? बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, जाएगा तो कितना बांध कर ले जाएगा ये बता दो, और कितना ले गए लोग अभी तक? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमीन से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या लेके गया, कौन लेके गया? अरे इंसानियत संग जाती है साहब, ईमानदारी संग जाती है, धर्मानुगो गच्छति जीव एक, आपके द्वारा किया गया अच्छा काम जाता है। सबको मरना है, स्वामी विवेकानंद जी भी मर गए, हम भी मर जाएंगे, आप भी एक दिन मर जाएंगे, फर्क इतना है कि कोई मरकर भी अमर हो जाता है और कोई जिंदा भी मरे मुर्दे के समान होता है, ये अंतर है। और ये अंतर तब होता है जब आदमी अपने अच्छे या बुरे कर्म करता है। वो औलादें जिनकी माँ वृद्धाश्रम में है और बेटे अपना पैसे कमा रहे हैं, घर में 50,000 रुपए के कुत्ते हैं उनके घर में, और माँ को 2 वक्त की रोटी और 1 टूटी सी खटिया नहीं है, तो ये औलादें ये जिंदा हैं या मरे हुए हैं बताओ? क्या कहेंगे आप इन्हें? क्या ये अरे अच्छा बेटा ना बन पाए, अच्छा पति ना बन पाए, कोई बात नहीं, एक बात बताओ मेरी माँ, आप कहते हो ना अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनो, अच्छा इंजीनियर बनो, अच्छा एडवोकेट बनो, अच्छा जज बनो, अच्छा ये बनो, ना मेरी माँ, अच्छा डॉक्टर मत बनाना, अच्छा इंजीनियर अच्छा पायलट मत बनाना, पहले सबसे अच्छा इंसान बनाना, पहले अच्छा इंसान बन फिर अच्छा डॉक्टर बनना, पहले अच्छा इंसान बन फिर अच्छा लॉयर बनना, पहले अच्छा इंसान बन फिर अच्छा इंजीनियर जज जो तेरे को बनना है, पहले अच्छा इंसान, इंसानियत ला, जहां से लाना है ला ला इंसानियत, बच्चों को पहले इंसान बनाना। सीधा डॉक्टर बना दोगे तो किडनी बेचने का धंधा शुरू कर देंगे, मुर्दों को भर्ती करने का धंधा शुरू कर देंगे। यदि इंसान बनाए बिना तुमने अपने बेटे को वकील बना दिया तो बलात्कार करने वालों को जिताने की कोशिश करने लग जाएंगे। वो बेटी चीख चीख के कह रही कि इस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, पर वकील कह रहा तुम्हारे पास सबूत क्या है? अरे लड़की अपने आप में खुद सबूत है, लेकिन इंसान नहीं होने से एक अच्छा वकील बन भी जाओगे, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे तो जीवन में कभी न्याय ना दिला पाओगे साहब।
कभी न्याय ना दिला पाओगे। सोच बदलो मेरे देशवासियों, यदि देश बदलना है, सब कुछ बदलना चाहते हो जीवन में, तो सोच बदल दो, विचार बदल दो। जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में अच्छे इंसान तैयार होते हो ना, वहां अपने बच्चों का नाम लिखाओ। और जहां अच्छे इंसानियत की सर्टिफिकेट मिलती हो, जहां इंसानियत में पीएचडी होती हो, इंसानियत में पीएचडी करा दो अपने बच्चों को। सारा पढ़ा लिखा के बच्चों को एक बार इंसानियत में पीएचडी जरूर कराना। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आपके बेटे, पर इंसान बन के रहें, शैतान ना बने। उनके अंदर दया रहे, उनके अंदर करुणा रहे, उनके अंदर सहनशीलता हो, उनके अंदर ईमानदारी इतनी हो कि मुझे मार दो, मेरा सिर काट दो, मर जाना पसंद करूंगा, पर झूठ का साथ देना पसंद ना करूंगा। यदि आपकी औलाद ऐसी है ना, तो आप जीत गए। मानव तो बहुत लोग हैं साहब, बहुत लोग इंसान बन रहे हैं, लेकिन ऐसे इंसानों में हरिश्चंद्र को आज तक याद किया जाता है। सत्य के लिए बिक गया आदमी, सत्य के लिए बाजार में बिक गई उनकी पत्नी तारा, सत्य के लिए मर गया उनका बेटा रोहित। चांडाल बन गए थे काशी के शमशान में, धर्म नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा। इंसान तो बहुत पैदा होते हैं साहब, पर हरिश्चंद्र कहां पैदा होते हैं? मैं कहता हूं, अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ। नहीं चाहिए मुझे 100 बच्चे, ना 50, ना 10, ना 20, ना 2, एक ही हो, ईमानदार। इतना ईमानदार हो कि धर्म के लिए जान देने को तैयार हो जाए, सत्य के लिए, सत्य की रोटियां खाने वाला हो। और वो सत्य की रोटियां, झूठ की रोटियां यदि सोने की थाली में आती हो बड़े से बंगले में, और सत्य की रोटियां यदि पत्तल पर आती हो और किसी पेड़ की छांव में, तो किसी पेड़ की छांव में बैठकर पत्तल पर रोटी खा लेना साहब, पर महलों में बैठ के सोने की थाली में बेईमानी की रोटी ना खाना। ये संस्कार बच्चों को देना पड़ेगा। कितनी दौलत है आपके पास, कोई नहीं जानेगा दौलत वालों को। तुम मरोगे, तुम्हारी जयंती नहीं होगी, पर मीराबाई, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। बिल गेट्स के जाने के बाद उनकी जयंती नहीं मनाई जाएगी। इसलिए धन वालों को इतिहास याद नहीं रखता, अच्छे संस्कार वालों को, सत्य के लिए दिए गए बलिदान को लोग याद रखते हैं। जयचंद लोग थे उस जमाने में, जयचंद जैसे लोग थे, पर यदि जयचंद एक तरफ था तो पृथ्वीराज चौहान भी तो थे। अच्छाई बुराई धरती पर सदा से है, जब से यह पृथ्वी बनी है ना, तब से अच्छाई बुराई इसमें दोनों है। बस फर्क इतना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। सेना दो है, पांडवों की और कौरवों की, आप किसका साथ देना चाहेंगे? भगवान किसके साथ खड़े हैं, कौरवों के या पांडवों के? कौरवों के साथ नहीं, पांडवों के साथ। क्यों? क्यों? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म है, पांडवों के पक्ष में सत्य है, इनके पक्ष में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भरी सभा में किसी नारी को निर्वस्त्र करने की कोशिश करता हो।
और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो सेना कितनी भी बड़ी हो, आपकी पावर कितना भी हो, नाम इज्जत सम्मान शोहरत कितनी भी हो, पर भगवान उनके साथ खड़े हैं जो सत्य के साथ खड़े हैं। इसलिए देर सवेर जीत सत्य की होगी, छोड़ दो गलत रास्ते, छोड़ दो गलत काम, पत्तल में भोजन करो, पर जो रोटियां पत्तल में हो, जो रोटियां आपके पेट में जाएं, ईमानदारी की। बच्चों को पाठ पढ़ाया करो ईमानदारी का, सत्य का, बेटा सत्य बोलना है। हमें बेटों को करोड़पति नहीं बनाना, बताओ आप अपनी संतानों को करोड़पति बनाना चाहते हैं या ईमानदार बनाना चाहते हैं? आज हमारे देश में हर डिपार्टमेंट में आप देख लो 100 में से 99 भ्रष्ट लोग बैठे हैं, पर जो 1% लोग हैं ना, आज भी मेरे देश में 1% लोग ऐसे हैं जो घूस नहीं लेते, जो बेईमानी का धन नहीं लेते। ये देश जो चल रहा है वो 99% वालों के बल पर नहीं, वो जो 1% जो ईमानदार हैं कहीं कहीं कभी कभी देखने को मिलते हैं, उन 1% लोगों के बल पर ये धरती टिकी है। आप भी अपने बच्चों को उन 1% में सम्मिलित करना। गीदड़ों की भीड़ से अच्छा है शेर अकेला ही रहे। गीदड़ों के झुंड से अच्छा है कि शेर अकेला ही रहे। बेईमानियों बेईमानों के तो झुंड लगे हैं, दिन में भ्रष्टाचार करते बेईमानी करते, रात में बैठ के एक साथ शराब पीते हैं, बंटवारा करते हैं गरीबों को, जरूरत जिसके पास जरा भी मेहनत मजदूरी करने वालों को भी नहीं छोड़ते। साहब कुछ लोग जो मेहनत फावड़ा कुदाड़ी चला करके जो मिट्टी खोद के पैसा पसीना बहा के कमाता, उससे भी घूस लेते हैं। और पैसा हर आदमी का मेहनत का होता है, इसलिए अपनी मेहनत काप लो, बेईमानी ना करो साहब, वरना बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा इस बेईमानी का। मैं नमक रोटी खाने वाला इंसान हूं, नमक रोटी में खुश रहने वाला इंसान हूं, बेईमानी का सपना भी नहीं देखता, कभी स्वप्न में सोचता भी नहीं हूं। ईमानदारी की रोटी खाता हूं और वही संस्कार आपको दे रहा हूं जो है, जो होगा वही दिया जाएगा। इसलिए बच्चों को जिम्मेदारी से पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। नारद जी ने कहा क्या करें, भागवत सुनवाओ। भागवत सुनवाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। नारद जी ने कहा महाराज कोई पापी भागवत सुनेगा क्या कष्ट दूर होगा? हाँ, एक धुंधकारी नाम का, एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत जी से कहा पुत्र चाहिए, संत ने कृपा करके फल दिया, उनकी पत्नी गर्भवती हुई, उनकी पत्नी ने वो फल ले जाके गाय को खवा दिया, तो गाय के बच्चा हुआ गौकर्ण जी, और बहन का बेटा पैसों में ले लिया हुआ धुंधकारी। धुंधकारी नाम का एक बेटा अपने बाप को मारता और मार मार के पीठ में डंडे मारता, कहता तूने पैसे कहाँ रखे। आत्मदेव जी रोते, हे भगवान जब बेटा नहीं था तब भी रोना पड़ा और अब बेटा है तो भी रोना पड़ रहा। धुंधकारी मारता अपने पिता को, अपनी मां को, एक दिन इतना मारा कि पिताजी रोने लगे। कुछ बेटे अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, कुछ बेटे अपने माँ बाप को सताते हैं, ऐसे बेटे भगवान ना दें तो अच्छा, जो बाप को मारे जो माँ को मारे, ऐसी संतान से तो बिना संतान की अच्छी। और ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा हमारे देश में कभी नहीं होता था। हमारे देश में श्रवण जैसे बेटे होते थे, माँ बाप को मारने की तो सोच नहीं सकता कोई,
पर ऐसा अब हो रहा है क्यों? क्योंकि कुसंग कुसंग संस्कार देना छोड़ दिया लोगों ने, केवल पढ़ाई, पैसा कमाओ बेटा कैसे भी कमाओ, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो, कमाओ, केवल पैसा कमाओ, इसलिए सब गलत रास्ते पर चल पड़े। यदि ईमानदारी का पाठ मां बाप ने पढ़ाया होता तो आज इतना नुकसान ना होता देश का।